गुड मॉर्निंग, हमारा डिस्कशन आज का है सेक्शन नंबर 31 से और हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस में सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक, राइट। चैप्टर नंबर थर्ड है कंपनीज एक्ट का, उसमें हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 31। और हमने कल बात की थी, हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है बेसिकली वो हम बात कर रहे हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब वो प्रोस्पेक्टस या शेल्फ प्रोस्पेक्टस वो कंपनी इशू करती है जिस कंपनी को एक साल में एक से ज़्यादा बार पब्लिक से पैसा लेना है, तो वो जो तरीका यूज़ करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, उस प्रोस्पेक्टस का नाम क्या है आपका, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। चले हम बात करें शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कंसेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का ऑब्जेक्ट क्या है कि बार बार रिपीटेशन ना हो प्रोस्पेक्टस फाइलिंग में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल होगा क्या, मेरी कंपनी ने मई 2019 में एक प्रोस्पेक्टस इशू करा, और मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है कि हम बार बार क्या लेकर आते हैं, बार बार हम प्रोस्पेक्टस लेकर आते हैं। अब तो लॉ ने क्या बोला, आप जब फर्स्ट टाइम इशू करोगे, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, एक साल में एक से ज़्यादा बार हम पब्लिक से पैसा रेज करते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम क्या फाइल करें, आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस। तो आपने मई 19 में शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करा, फिर आपको अगस्त में और पैसे की रिक्वायरमेंट आई, तो आप अगस्त 19 में आप क्या फाइल करोगे, आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करोगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, गवर्नमेंट ने कहा है कि मई 19 तक की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जो आपने फाइल किया था, जिसको हमने क्या नाम दिया, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब मई 19 से लेकर मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने में जो चेंज हुआ है, चेंज हुआ इन द सेंस मतलब आपने कोई नया चार्ज क्रिएट किया, आपकी कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ, कोई असेट्स आपने परचेज करी, कोई असेट डिस्पोज ऑफ करी, कुछ लायबिलिटी में चेंज है, कोई मेजर चेंज है, आप सिर्फ हमको वही इंटीमेट करो, और जो वो इंटीमेट करना है वो एक डॉक्यूमेंट का नाम दिया है, जिसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट दिए PAS 2 में। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जब आपकी कंपनी फर्स्ट टाइम जब आएगी वहाँ पर, आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि हमको एक साल में एक से ज़्यादा बार पब्लिक से पैसा लेना है। अगर लॉ ने बोला आपके दिमाग में अगर ये कंसेप्ट है, तो फर्स्ट टाइम आप क्या इशू करें, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। उसके बाद जब जब आप पैसा लेने जा रहे हैं पब्लिक से, उस हर बार में आपको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है। और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या लिखा रहेगा, सिर्फ वो डिफरेंस पीरियड में जो चेंज हुआ है, न्यू चार्जेस क्रिएट हुए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज हुआ, वो आपको दर्शाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगस्त के बाद हम जनवरी 20 में फिर से पब्लिक से पैसा लेने आ रहे हैं, तो लॉ ने बोला अगस्त 19 से लेकर जनवरी 20 में जो भी चेंज हुआ है, वो आप हमको फिर से बता दो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिसका नाम क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, और जो कंपनी लॉ के फॉर्मेट दिया है PAS 2 में, राइट। चले इन्होंने क्या बोला है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी कंपनी में इशू शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कोई भी कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है इफ़ दे इशू मोर देन वन इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो एक साल में एक से ज़्यादा बार इशू लेकर आ रहे हैं, तो वो कंपनी को क्या लेना पड़ेगा, सब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। याद रखना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी एक साल की होगी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में बी फाइल टू ROC एट द स्टेज ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी। हमने भी कब फाइल करा है, मई 19 में हमने फाइल किया है, ये हमारे चीज काम की है। वैलिडिटी एक साल की वैलिडिटी होगी, 1 ईयर वैलिडिटी, नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। अगर आपने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया, तो एट एनी सब्सिक्वेंट ऑफर आपको कोई प्रोस्पेक्टस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर दें, आपका काम खत्म हो जाएगा। On every subsequent issue, company needs to file information memorandum which contains new charges created, change in the financial position, prepare करना है PAS 2 वाले format में, file before 1 month of issue। आगे लॉ ने बोला, अगर कोई आपको एडवांस मनी मिलती है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, राइट, मिस्टर ए ने आपकी कंपनी को 1 लाख रुपए दिया कि भाई हमको शेयर्स इशू कर देना, 1 लाख रुपए दिया मिस्टर ए ने, कितना पैसा दिया आपकी कंपनी को, 1 लाख रुपए दिया कि सब हमको आप शेयर्स इशू कर देना।
इस टाइम पर मई 19 वाले शेल्फ प्रोस्पेक्टस के टाइम पर हम उनको 80,000 रुपये के ही शेयर्स दे पाए, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो लॉ ने बोला आप फिर 20,000 के कब दोगे आप? फिर हमने बोला ए को कि यार आप अपने 20,000 रुपये वापस ले लो। ए ने क्या बोला, सर रहने दो यार, आपका काम क्या है, आप फिर से पैसा पब्लिक से लेने आओगे, जब फिर से लेने आओगे तब हमको वो शेयर इशू कर देना। तो मेरी कंपनी के पास अगस्त 19 में 20,000 रुपीज ए का एडवांस पड़ा है। अब लॉ ने बोला है कि आपको ये ए का 20,000 रुपया वापस करना पड़ेगा अगर उस पर्सन ने मांगा है, एक बात, या आपने जो भी चेंज हुआ है ये मई से लेकर अगस्त में आपको ये सब इंटीमेट करना पड़ेगा किसको, मिस्टर ए को, और अगर वो तैयार है शेयर्स लेने के लिए 20,000 के और, तो आपको दे देना है, वरना आपको उसका पैसा 5 दिन में वापस कर देना है। इफ़ एनी एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन द कंपनी शेल इंटीमेट द चेंजेस इफ़ एनी रिक्वायर्ड, और आपको रिफंड करना है वो पैसा कितने वक्त में, 5 डेज के अंदर। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका, सेक्शन नंबर 31 है, जो बात करता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, राइट। चले हम सेक्शन नंबर 31 की हम बात करें साहब थ्योरी वाला कंसेप्ट की, क्या बोल रहा है कंसेप्ट। इन्होंने बोला शेल्फ प्रोस्पेक्टस, Any class or classes of company as the SEBI may provide by regulation in this behalf may file a shelf prospectus with the registrar at the stage of first offer of security included therein. First stage of security पे आपको shelf prospectus issue करना है, एक बात, which shall indicate a period not exceeding 1 year. कितनी validity होगी shelf prospectus की, 1 साल, मतलब मई में जिस तारीख को आपने issue किया है, याद रखना ये 1 साल हमको फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर हमको कुछ नहीं देखना है, ये तो जब आपका फर्स्ट ऑफर ओपन हुआ है उस साल में तब से 1 साल हमको देखना है। ऑफ सच प्रोस्पेक्टस विच शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर डेट प्रोस्पेक्टस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, 1 साल तक हमें कोई फर्दर प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं है। आगे, अ कंपनी फाइलिंग अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, आपको क्या फाइल करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा कंटेनिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू न्यू चार्जेस क्रिएटेड, वो बताना पड़ेगा आपको, चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी एज हैव अकर्ड बिटवीन द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और द प्रीवियस ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज द सक्सीडिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद द रजिस्टर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रायर टू द इशू ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी अंडर द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। आगे, द कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014 में शेल्फ प्रोस्पेक्टस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम द इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्म PAS 2 में, राइट। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो आपको फ्रेम करना है, जो आपको बनाना है, तो लॉ ने बोला है वो कौन से फॉर्मेट में होगा, PAS 2 में होगा एंड फाइल विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द फीस एज प्रोवाइडेड इन द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस फीस रूल्स 2014 within a 1 month prior to the issue of second or subsequent offer of securities under the shelf prospectus, provided that where a company or any other person has received application for the allotment of securities along with the advance payment, जो हमने बात की थी Mr. A वाली 20,000 की, right? Of subscription before the making of any such change, the company or the person shall intimate the changes to such person. आपको मिस्टर ए को changes intimate करने पड़ेंगे. If they express a desire to withdraw their application, अगर वो ए ने बोला है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, तो आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे. The company and other person shall refund all the money received as subscription within 15 days thereof. आपको एक मिनट, ये 15 डेज में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। वेर एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड एवरी टाइम एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इज मेड अंडर सबसेक्शन 2, सच मेमोरेंडम टुगेदर विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस। लॉ ने बोला जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया था प्लस जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल किया है वो डिफरेंस पीरियड का, मई से लेकर अगस्त तक का, दोनों को मिलाकर हम कंबाइंड प्रोस्पेक्टस की नज़र से देखेंगे।
एक्सप्लेनेशन. फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लासेज ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर अ सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑफ एनी फर्दर प्रोस्पेक्टस. आपको फर्दर प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है. चले नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा काम का है और वो बात करेगा काहे की, वो बात करेगा RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की. सेक्शन नंबर 32 है जो बात करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. सबसे पहली बात तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक इशू होता है, इशू करने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस. मेरी कंपनी IPO FPO लेकर आएगी तो जो तरीका है एक है फिक्स प्राइस प्रोस्पेक्टस और एक होता है बुक बिल्डिंग इशू. बुक बिल्डिंग इशू वो तरीका है जिसमें दो चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी मेंशन नहीं होता एंड क्वांटम ऑफ सिक्योरिटी मेंशन नहीं होता. ये दोनों चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो प्रोस्पेक्टस यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. राइट, चले तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज और क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज की हम ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं सब, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. चले पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट कैसे होता है. ध्यान से हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया और हमको पता है, अभी हमने देखा है कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई करने के लिए और कितने नंबर ऑफ शेयर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सहारा लेते हैं. तो मेरी कंपनी करने क्या वाली है, मेरी कंपनी क्या करेगी, सिंपल एक प्राइस बैंड देगी पब्लिक को. मेरी कंपनी ने प्राइस बैंड दिया, फॉर एग्जांपल 180 रुपए से 200 रुपए तक का, मतलब जिस भी पर्सन को शेयर्स के लिए अप्लाई करना है वो 180 से 200 की रेंज में कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, एक बात. और मेरी कंपनी ने ऑफर साइज दिया कि भाई हम 10 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितने शेयर देना है ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्या दिया है, ऑफर साइज. अब ध्यान से क्या होगा, पब्लिक के सामने जाएगा ये, पब्लिक के सामने प्रोस्पेक्टस जाने वाला है, पब्लिक अप्लाई करेगा. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने बोला मैं 200 शेयर्स लेने के लिए तैयार हूँ बट मैं अप्लाई करूँगा 192 पर. ठीक है, मिस्टर बी ने बोला मैं 400 शेयर्स लेने के लिए तैयार हूँ, मैं मुझे लगता है ये कंपनी की सही प्राइस 198 है. ठीक है, सी ने बोला भाई मुझे तो शेयर्स 100 ही चाहिए मात और मैं 200 रुपये में लेने के लिए तैयार हूँ, 200 रुपये कंपनी का फेयर वैल्यूशन है. डी बोल रहा है मुझे 80 शेयर्स रिक्वायर्ड है और मैं 80 शेयर लेना चाहता हूँ 188 में. हर व्यक्ति अपने हिसाब से अप्लाई कर रहा है, अपने हिसाब से प्राइस को यूज कर रहा है. बहुत ध्यान से 180 से लेकर 200 के बीच में ये अप्लाई करना है, 201 की बात नहीं होगी, 179 की बात नहीं होगी. इन्हें बोला भाई मुझे तो मात्र 20 शेयर्स चाहिए बट मैं जो 20 शेयर्स लूंगा वो मैं लेना चाहता हूँ 182 पर. अब ऐसे करके पब्लिक ने अप्लाई करा तो कंपनी के पास अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे एप्लीकेशन मनी आ गई. अब क्या होगा, कंपनी ये जज करेगा कि भाई मुझे कितने शेयर्स के लिए मेरे कितने किस ऐसी कौन सी प्राइस है जिस प्राइस पर मेरा जो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट होता है, हम लिस्टेड कंपनी में 90% की बात करते हैं, राइट, अनलिस्टेड कंपनी में 100% हो गया है, लिस्टेड कंपनी में 90% है आज भी. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब इतने कम से कम शेयर्स तो पब्लिक को सब्सक्राइब करना है वरना आपका इशू फेल हो जाता है और आपको पब्लिक के पैसे वापस करने पड़ते हैं. हमने चेक करा कि भाई 200 रुपए पर मात्र 8% पब्लिक तैयार है लेने के लिए.
ठीक है, जो भी फिगर्स लेंगे वो हम क्यूमुलेटिव लेंगे। 199 की प्राइस पर 15% पब्लिक तैयार है, मतलब ये 8% भी इसमें शामिल है। अरे भाई, जो 200 पे लेने तैयार है वो 199 पे ले लेगा। 198 वाली प्राइस पर हमने जब कैलकुलेट करा तो 25% पब्लिक तैयार है लेने के लिए, और नीचे गए हम 189 पे 89% पब्लिक तैयार है। क्या हम इस प्राइस पर इशू ला सकते हैं क्या? ना, क्योंकि हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से कम 90% तो चाहिए है। तो हमने 1 रुपये और नीचे करा और हमको पता चल गया कि 92% पब्लिक तैयार है। ये मेरी निकल आई प्राइस, ध्यान से, 188 क्या निकल आई मेरी प्राइस। और क्वांटिटी निकालने के लिए 10 लाख का ऑफर साइज है डिवाइडेड बाय 188, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए, फ्रैक्शन को हम इग्नोर कर दें अभी। तो ये हो गया मेरा, ये तरीका है बुक बिल्डिंग प्रोसेस का, जिसमें हम प्राइस निकालते हैं, किस प्राइस पर इश्यू करना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं हम। ध्यान से, सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 32 है। अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज मे मेक अ इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आरएचपी फाइल करना है आरओसी को बिफोर 3 डेज। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको कब फाइल करना है? आपको आरओसी को फाइल करना है 3 दिन पहले ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर के पहले। आरएचपी और जो प्रोस्पेक्टस है वो आपको हाईलाइटेड करना है एज अ वेरिएशन, मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और जो प्रोस्पेक्टस में जो टाइम गैप है इसमें जो चेंज हुआ वो आपको हाईलाइट करना है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएशन। फिर प्रोस्पेक्टस, फिर आपका जब ये पूरा का पूरा पैसा मिल गया आपको किस प्राइस पर, 188 की प्राइस पर, तो एक आप फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइल कर देंगे। वो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, टोटल कैपिटल रेज और क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपको फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर कौन सा है? 32 है। सेक्शन नंबर 32 की बात करें, आरएचपी की बात कर रहा है, ध्यान से। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी मे इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जो भी कंपनी ऑफर लेके आने वाली है वो आरएचपी इशू कर सकती है प्रायर टू द इशू ऑफ अ प्रोस्पेक्टस। अरे भाई, प्रोस्पेक्टस तो हम बाद में फाइल कर देंगे जिसमें टोटल कैपिटल रेज और टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू देखने रहे। अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ आरएचपी अंडर सबसेक्शन 1 shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of subscription list and the offer. लॉ ने बोला आपको RHP फाइल करना है 3 दिन पहले फाइल करना पड़ेगा। A red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to prospectus. लॉ ने बोला RHP में भी आपको वही obligation रहेंगी जो normal prospectus में रहती हैं। And any variation between the RHP and a prospectus shall be highlighted as a variation in the prospectus. अगर कोई variation होता है तो आपको वो highlight करना है as a variation ताकि public को अलग से दिख जाए। Upon the closing of offer of security under this section, the prospectus stating therein the total capital raise, कितनी capital total raise करी है, whether by way of a debt or a share capital, the closing price of the securities, closing price क्या रही, and any other details as are not included in the RHP and shall be filed with the registrar and the SEBI. Explanation. For the purpose of this section, the expression RHP means a prospectus which does not include complete particulars of quantum or price of securities included therein. ये हमारे पास सेक्शन नंबर कौन सा यार? सेक्शन नंबर 32 है, जो हमने बात करी है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। चलो, सेक्शन नंबर 33 है, जो क्या बोल रहा है, इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। बेसिकली ये बात कर रहा है एवरेज प्रोस्पेक्टस की। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एवरेज मतलब होता है छोटा, सेलेंट फीचर्स वाला। तो लॉ ने बोला आपकी कंपनी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक को देगी फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के लिए,
उसके पीछे आपको एक क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रोस्पेक्टस लगाना पड़ेगा। और एवरेज प्रोस्पेक्टस में जो मेन मेन कंटेंट है वो उसमें मेंशन रहेगा। सेक्शन नंबर कौन सा है, 33 है। एवरी एप्लीकेशन इशूड फॉर अ परचेज ऑफ शेयर्स कंटेन एन एवरेज प्रोस्पेक्टस, अगर नहीं लगाया तो डिफॉल्ट तो 50,000 रुपये इच डिफॉल्ट है, बट कौन कौन से केसेस हैं जिसमें एवरेज प्रोस्पेक्टस नहीं रिक्वायर्ड है, शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर या शेयर्स आपने पब्लिक को इशू नहीं किए तो एवरेज प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एवरेज प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें प्रोस्पेक्टस के मेन मेन कंटेंट सेलिएंट फीचर्स होते हैं। इसमें वो बकवास नहीं लिखी रहेगी मेरी कंपनी कब बनी है, मेरी कंपनी ने क्या किया, मेन मेन कंटेंट रहेगा कितना प्रॉफिट हुआ, क्या करा, कितनी कैपिटल थी, कितना डेट अमाउंट था, वो सब चीज़ें मेंशन रहेंगी। चले सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 33 है, इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज। नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ एनी कंपनी शैल बी इशूड अनलेस सच फॉर्म इज अकम्पनीड बाय द एवरेज प्रोस्पेक्टस, जब तक कि उसके साथ में क्या ना हो, एवरेज प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 2(1) ऑफ द कंपनीज डेफिनेशन है जिसमें क्या दिखा बताया है, एवरेज प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सेलिंग फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। जिस तरीके से सेबी ने बताया है आपको उस तरीके से एवरेज प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। Provided that nothing in this subsection shall apply if it is shown that the form of application was issued to underwriter को issue करा गया है या public को offer नहीं दिया गया है। A copy of the prospectus shall on a request made by any person before the closing of the subscription list, अगर किसी व्यक्ति ने रिक्वेस्ट की है तो आपको उस पर्सन को भी वो कॉपी देनी पड़ेगी उसकी। एक अगर कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट करी तो लॉ ने बुलाया साहब 50,000 रुपये का ईच डिफॉल्ट पर आपके ऊपर फाइन लगने वाला है। राइट, ये बहुत ध्यान से कंसेप्ट काम का है हमारे। अब याद रखना सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर 35 बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन में से, दोनों सेक्शन में से एग्जाम में सवाल आता ही आता है। ये बात कर रहे हैं, दोनों सेक्शन प्रोस्पेक्टस के हैं, दोनों सेक्शन मिस स्टेटमेंट है, बट सेक्शन नंबर 34 में क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहा है और सेक्शन नंबर 35 में सिविल लायबिलिटी की बात कर रहा है। चल हम वन बाय वन पढ़ें, दोनों सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 34 है। याद रखना क्रिमिनल लायबिलिटी में आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, पढ़े। सिचुएशन क्या होगी, लॉ ने बोला आपने कोई भी प्रोस्पेक्टस इशूड करा या आपने प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट करा है, इशू करा या सर्कुलेट करा, इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट, और जिसमें कोई स्टेटमेंट है जो अनट्रू है या मिसलीडिंग है। आपकी कंपनी ने कोई प्रोस्पेक्टस इशू करा या कोई प्रोस्पेक्टस सर्कुलेट करा है और उसमें कोई स्टेटमेंट है जो कैसा है आपका, अनट्रू है या फिर मिसलीडिंग है। वेयर एनी इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इज लाइकली टू मिसलीड, और जो किसी मैटर को क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, लायबिलिटी पनिशमेंट की बात कर रहे हैं अपन। लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी काम हुआ है, एवरी पर्सन, जिस व्यक्ति ने इशू करा है, जिस पर्सन ने ऑथराइज करा है फॉर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज लाइबल फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। आपके ऊपर 447 का पनिशमेंट लगने वाला है। और बेसिकली क्या डिफाइन करा है 447 में, सब इतना इतना मेजरली, ये तो इम्प्रिजनमेंट है ही वहाँ पर, कि भाई इम्प्रिजनमेंट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो मिनिमम 3 साल का आपके ऊपर क्या लगने वाला है इम्प्रिजनमेंट, में मैक्सिमम 10 साल का, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो 6 महीने का फाइन इम्प्रिजनमेंट लगने वाला है। फाइन कितना है, जितने रुपए का फ्रॉड है, विच कैन बी एक्सटेंड अप टू 3 टाइम्स तक, राइट। प्रोटेक्शन मतलब सेक्शन नंबर 447 में एक वहां पर 10 लाख वाला और कंसेप्ट है 447 में। अब प्रोटेक्शन कब रहेगी, लायबिलिटी अंडर सेक्शन 34 डज नॉट अप्लाई इफ द पर्सन प्रूव्स दैट सच स्टेटमेंट और ओमिशन वॉज इम मटेरियल।
अगर वो पर्सन प्रूव कर दे कि सर आप जिसके बेस पर मेरी लायबिलिटी लगा रहे हो वो किसी रेलिवेंट ही नहीं है, वो इमटेरियल है वो, या फिर ही हैड अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द प्रोस्पेक्टस वॉज ट्रू, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि सर जिस टाइम पे मैंने प्रोस्पेक्टस साइन किया था उस टाइम पे वो प्रोस्पेक्टस मुझे लग रहा था कि बिल्कुल सच्चा है, सही है। सेक्शन नंबर 35 की बात करें, और सेक्शन नंबर 35 बात करता है सिविल लायबिलिटी की। सिविल लायबिलिटी में क्या होता है साहब, आपको कंपनसेट करना पड़ता है सामने वाले को, बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत काम की हैं। ध्यान से, सिचुएशन कब लगने वाली है, वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड, कौन सा वर्ड है सब्सक्राइब्ड, मतलब उस पर्सन ने एक्चुअल में शेयर्स लिए हों, वर्ड है सब्सक्राइब्ड। आपने प्रोस्पेक्टस देखा, मिसस्टेटमेंट था, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, लॉ ने बोला आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको वो शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। फॉर अ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड देयर इन विच इज मिसलीडिंग एंड हैज सस्टेन्ड एनी लॉस। ध्यान से, सबसे पहली बात तो अगर आपको सेक्शन नंबर 35 में रिलीफ चाहिए है क्योंकि प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था, तो आपको वो प्रोस्पेक्टस के बेस पर शेयर्स को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको लॉस हुआ हो तो ही आपको सेक्शन नंबर 35 में रिलीफ मिलेगा। आपने शेयर्स प्रोस्पेक्टस के बेस पर कंपनी से नहीं लिए, आपने तो वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से ले लिए, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपने शेयर्स लिए आपको लॉस नहीं हुआ, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हम अलग अलग सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। आपने शेयर्स लिए, आपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए और किसी और ने ऑब्जर्व करा कि बॉस ये तो प्रोस्पेक्टस में मिस्टर स्टेटमेंट था, फिर उस मिस्टर बी को कोई राइट नहीं है, ए को ही अधिकार था, राइट। चले, पर्सन लाइबल अंडर सेक्शन 35, द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो पर्सन लाइबल होगा। हैज ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम एज अ प्रोस्पेक्टस डायरेक्टर, किसी व्यक्ति ने ऑथराइज कराया है कि ठीक है मेरा नाम लिख दो डायरेक्टर के जैसा, नॉमिनी डायरेक्टर वाला कंसेप्ट, या कोई व्यक्ति प्रमोटर है या हैज ऑथराइज द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, लॉ ने बोला ये पर्सन जिम्मेदार होंगे सेक्शन नंबर 35 में। नेचर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबल टू पे कंपनसेशन, आपको क्या देना है कंपनसेशन, किसको, टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज, हर उस व्यक्ति को आपको कंपनसेशन देना है जिसको लॉस हुआ है या जिसको डैमेज हुआ है। प्रोटेक्शन, सच पर्सन शैल नॉट बी लाइबल इफ ही प्रूव्स दैट, अगर उस पर्सन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया दैट हैव कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट वो पर्सन ने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दी थी, बट उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, ही विड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड दैट इट वॉज इशूड विदाउट हिज अथॉरिटी और कंसेंट। वो पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि सर मैंने डायरेक्टर बनने के लिए कंसेंट दी थी, बट मैंने देखा उसमें मिसस्टेटमेंट था और उसको देखकर मैंने कंसेंट विड्रॉ कर ली और विदाउट मेरी कंसेंट के इशू किया गया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और that the prospectus was issued without his consent and that on becoming aware of its issue. Personal liability, where it is proved that the prospectus has been issued with intent to defraud the applicant. अगर प्रूफ हो गया कि सब आपने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है वो आपने डिफ्रॉड द एप्लीकेंट को देने के लिए करा है, yes, every person shall be personally liable for any loss incurred by such person. उस person को जो loss हुआ है उसके लिए हर वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा जिसका नाम लिखा था। Section number कौन सा है, 34-35। पहले हम section number 34-35 का हमने chart से पढ़ा, फिर हम उसका theory से पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ questions हैं हम वो discuss करते हैं। सेक्शन नंबर 34, वेयर अ प्रोस्पेक्टस इशूड सर्कुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर दिस चैप्टर इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज अनट्रू और मिसलीडिंग इन फॉर्म और कंटेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड और वेयर एनी इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इज लाइकली टू मिसलीड एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 447। आप जिम्मेदार होंगे किस सेक्शन में, 447 में।
provided that nothing in this section shall apply to a person if he proves that such a statement omission was immaterial and that he had a reasonable ground to believe that and did up to the time of issue of prospectus believe that the statement was true or the inclusion or the omission was necessary. Section number 35, civil liability. Where a person has subscribed, मतलब आपने वो prospectus को सिर्फ देखा ही नहीं है, आपने वो prospectus को देखकर company को apply करा कि भाई हमको shares issue कर दो. Of securities of a company acting on any statement included or the inclusion or omission of any matter in the prospectus which is misleading and has sustained any loss or damage as a consequence thereof, the company and every person who is a director of the company at the time of issue, वो जिम्मेदार है. जिसने अपने आप को ऑथराइज कराया डायरेक्टर बनने के लिए वो जिम्मेदार है. प्रमोटर है वो है. किसी पर्सन ने ऑथराइज करा है या कोई एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट भी जिम्मेदार है. एक्सपर्ट कैसे जिम्मेदार होगा? फॉर एग्जांपल, सब मैं एक डायमंड वैल्यूअर हूं, एक दो डायरेक्टर आए मेरे पास में, उन्होंने बोला यार सर ये बताओ ये डायमंड हमारे कितने कैरेट का है. हम मान रहे हैं कि सर डायमंड को वैल्यू करते हैं कैरेट में. अब जैसे गोल्ड होता ना 24 कैरेट का, मैंने देखा डायमंड को यूं घुमाया, मैंने बोला बॉस ये तो 102 कैरेट का डायमंड है. उन्होंने लेकर मैंने स्टेटमेंट दिया अपने लेटर पैड पर, एक्सपर्ट वाले लेटर पैड पर, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन सब लोग मानते हैं. मैंने स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने लेके प्रोस्पेक्टस में छाप दिया कि मिस्टर आशीष गुप्ता ही इज़ अ एक्सपर्ट इन गिविंग ओपिनियन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ अ डायमंड एंड वगैरह वगैरह, और उन्होंने 102 कैरेट का हमारे डायमंड को वेट दिया है. ठीक है, बाद में पता पड़ा मुझे, अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्सपर्ट ने सर्टिफिकेट दिया, पब्लिक ने सर्टिफिकेट प्रोस्पेक्टस देखा, सर्टिफिकेट देखा मेरे नाम का, उन्होंने देखे मेरे नाम सुनकर, मेरे नाम का सर्टिफिकेट देखकर उन्होंने कंपनी में पैसा लगा दिया. लॉस हो गया. क्यों लॉस हुआ? बाद में पता चला वो डायमंड जो लाए थे वो उधार लेकर आए थे, वो कहीं से उधार लेकर आए थे कुछ टाइम के लिए, जो मुझे उन्होंने वेरीफाई करवा दिया है. तो लॉजिक में एक्सपर्ट भी जिम्मेदार होगा. शल विदाउट प्रिजेस्ट टू एनी पनिशमेंट टू विच एनी सेक्शन एनी पर्सन मे बी लाइबल अंडर सेक्शन 36 बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस और डैमेज. नो पर्सन शेल बी लाइबल अंडर सबसेक्शन 1 इफ यू प्रूव दैट हैव कंसेंटेड टू बिकम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. मैं एक डायरेक्टर बनने के लिए तैयार था बट He withdraw his consent before the issue of prospectus. But मैंने prospectus issue होने के पहले मैंने अपनी consent withdraw कर ली थी and that it was issued without his authority or consent or that the prospectus was issued without his knowledge or consent and that on becoming aware of its issue he forthwith gave a reasonable public notice that it was issued without his knowledge or consent. C point. That as regard to every misleading statement purported to be made by an expert or contained in what purports to be a copy of the extract from a report or a valuation of an expert, it was correct and fair representation of misleading or a correct copy or a correct or fair correct extract from the reports. अब मुझे लगा था कि भाई ये बिल्कुल सही है and did up to the time of issue of prospectus believe that statement was competent to make it right. आगे notwithstanding anything contained in this section where it is proved that the prospectus has been issued with intent to defraud the applicant. अगर एक बार प्रूफ हो गया कि जो prospectus issue करा है उसमें आपको फ्रॉड करा है पब्लिक से, every person referred to in shall be personally responsible without any limitation or a liability for all or any of the losses or damages. Jitne bhi losses damages hue hain wo aapko paisa pay karna padega. Chale section number hum pehle iske ek do sawal dekhte hain bahut dhyan se. Hum sirf questions padhenge, aapko click ho jayega. मेजरली सेक्शन नंबर 34-35 ही काम कर रहता है इसमें. फेलियर टू डिस्क्लोज डिविडेंड अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस. एक कंपनी ने इशू करा प्रोस्पेक्टस, ऑल द स्टेटमेंट कंटेंट देयरिन वर लिटरली ट्रू. सब चीजें बिल्कुल सही थी.
इट ऑल्सो स्टेटेड द कंपनी हैड पेड डिविडेंड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. उसमें लिखा था कि कंपनी ने सब हर साल में डिविडेंड दिया है, बट उन्होंने क्या डिस्क्लोज नहीं किया कि डिविडेंड हम ट्रेडिंग प्रॉफिट में से नहीं बांट रहे हैं, हम काय में से बांटते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से. ध्यान से, ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब जो आपको परचेज सेल करके हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट मतलब आपने, आपके पास बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग बेच दी, आपके पास कोई कैपिटल एसेट्स है उसको आपने बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, उससे डिविडेंड बांट दिया. लॉ ने बोला यार ये कोई जेन्युइन रीजन थोड़ी ना होता, आपका बिजनेस चल रहा है. An allottee of share wants to avoid the contract on the ground that the prospectus was false on the material particulars. क्या ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है. RTP है, RIP नहीं है. ध्यान से, तो लॉ ने बोला हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, वो पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, बट याद रखना उसने शेयर सब्सक्राइब किए हों, उसको लॉस हुआ हो तो ही वो फाइल कर पाएगा सेक्शन नंबर 35 में. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें. ध्यान से, विद अ व्यू टू इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक अ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग सम फॉल्स इंफॉर्मेशन वाज इशूड बाय द कंपनी. कुछ गलत इंफॉर्मेशन थी, कंपनी ने इशू कर दिया. एक्स को कॉपी मिली प्रोस्पेक्टस की कंपनी ने, बट ही डिड नॉट अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. उसने कंपनी को अप्लाई नहीं किया. द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक वॉज कंप्लीटेड बाय द कंपनी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. जो टाइम था उसमें कंपनी ने कंप्लीट कर लिया. अ फ्यू मंथ्स लेटर एक्स बॉट 2000 शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज एट अ हायर प्राइस. हायर प्राइस पर एक्स ने शेयर वहां से ले लिया और वो कंपनी गिर गई बुरी तरीके से, उसके शेयर्स विच लेटर ऑन फॉल शार्पली. एक्स सोल्ड दी शेयर एट अ हैवी लॉस. एक्स क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द कंपनी फॉर द लॉस सफर्ड ऑन द ग्राउंड द प्रोस्पेक्टस कंटेन फॉल्स स्टेटमेंट. क्या मिलेगा क्या नहीं, याद रखना हमने पढ़ा था आपको शेयर सब्सक्राइब करने पड़ेंगे और लॉस होगा. लॉस तो है बट क्या उसने कंपनी से शेयर सब्सक्राइब किए क्या? नहीं, तो उसको कोई अधिकार नहीं है. सेक्शन नंबर 35 का रेफरेंस लेके आए, अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 4 का ए. ए अप्लाइड फॉर 200 शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन सम मिस स्टेटमेंट. The shares are allotted to him. A afterward transfer the shares to B. A ने apply करा shares को, कुछ misstatement था, A ने B को transfer कर दिया. B bring an action for the rescission on the ground of misstatement. B company के ऊपर case file कर रहा है. अरे भाई possible ही नहीं है, क्या A कर सकता है क्या? अब A नहीं कर सकता क्योंकि A के पास अब shares ही नहीं है. कार्तिक है सब्सक्राइब फॉर रुपीज 1000 शेयर्स फॉर अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन सर्टेन मिसलीडिंग स्टेटमेंट. कार्तिक वॉज अलॉटेड दीज शेयर्स बट आफ्टर टू मंथ ही ट्रांसफर देम टू अरुण. किसको? के ने किसको ट्रांसफर कर दिया? ए को ट्रांसफर कर दिया. अरुण वॉन्ट्स टू अवॉइड द फर्दर लाइबिलिटी ऑन द कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स. नहीं कर सकता वो. चले, तो ये हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने बात की थी सेक्शन नंबर 34 और सेक्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, सेक्शन नंबर 35 की हमने बात की है प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट की. चलो फिर सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 38 है, बहुत ध्यान से. सेक्शन नंबर 36 क्या बोल रहा है, अगर आपने किसी व्यक्ति को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया है कि आप पैसे लगाओ इन्वेस्ट करो, वो हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले इसका हम कंसेप्ट देखें. मैंने कोई शेयर्स, अच्छा शेयर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स में चेंज कैसे होता है यार? एक तो बहुत सारी न्यूज होती हैं, आरबीआई ने कुछ बोल दिया, डेटर्स ने कुछ, क्रेडिटर्स ने कुछ, स्ट्राइक होगी, वो अलग बात है. मेजरली जो मूवमेंट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर होता है, कंपनी के जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उसके बेस पर कंपनी के शेयर्स में. अभी एकदम से किसी भी कंपनी में 10 लाख बायर्स आ गए तो नेचुरली वो ऊपर जाएगा, 2 रुपए ऊपर जाएगा, बट ऊपर तो जाएगा. मैंने क्या करा, मैंने कोई कंपनी के शेयर परचेस करे फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए में, मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं, मैंने कंपनी के 1 लाख शेयर परचेस करे 200 रुपए में. ठीक है, अब मैंने वो शेयर्स पहुंच गया 195 पे. मैंने क्या करा, मैंने एक बड़े इन्वेस्टर को अप्रोच करा और उसको बोला भाई साहब आप ये कंपनी के शेयर्स परचेज ले लो सब, आप आधे घंटे में देखना आप इसका शेयर साहब 205 रुपये टच करेगा, अभी 195 का है. उसने बोला ठीक है लेता हूँ मैं.
उसने लेके साहब 25 लाख शेयर परचेज करे एक उसी कंपनी के। जैसे ही उसने परचेज करे, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए, नंबर्स ऑफ बायर बढ़ गए तो वो शेयर्स बढ़ गया, शेयर्स बढ़ गया। मैंने लेके 201 में खुद के शेयर्स निकाल दिए, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैंने अपना पास में कर लिया, 200 रुपए मेरी प्राइस थी। मैंने फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइस के बेस पर मैंने ऐसा काम करा है? लॉ ने बोला ऐसा कोई भी काम करा है सेक्शन नंबर 36 में डिफॉल्ट लगेगा। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, नेचर ऑफ एक्ट कॉजिंग, एनी पर्सन हु नोइंगली मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इन टू एनी एग्रीमेंट टू एक्वायर सिक्योरिटीज, आपको कोई एग्रीमेंट करना है टू एक्वायर द सिक्योरिटीज, एनी एग्रीमेंट द पर्पज ऑफ विच इज टू सिक्योर अ प्रॉफिट वाया फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, एनी एग्रीमेंट फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी काम किया है आपने, सब आपने सेक्शन नंबर 36 में कॉन्ट्रावेंशन किया है, हम आपको पनिशमेंट जो होगा वो 447 वाला होने वाला है। पहला, आपने किसी व्यक्ति को इंड्यूस किया है टू एक्वायर एनी सिक्योरिटीज, आपने प्रॉफिट को फ्लक्चुएट करने के लिए किया है, या आपने कोई बैंक में कोई झूठा काम किया है, गलत है। सेक्शन नंबर 38 है, ये बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन एटसेट्रा ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। सिचुएशन, एनी पर्सन हु मेक्स एनी एप्लीकेशन इन अ फिक्टिशियस नेम टू द कंपनी। सब बहुत लोगों को पूछना, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था सम 2005 से लेकर 2010 के बीच में, कहीं 6-7 में आया था रिलायंस का आईपीओ आया, सब बहुत लोगों में हो हल्ला था कि चलो यार रिलायंस का आईपीओ आएगा, सब बहुत टाइम बाद सालों बाद आया है। उन्होंने क्या करा, खुद के नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, अपने नौकर के नाम पर डीमैट अकाउंट खुला लिया, पेट के नाम पर डीमैट अकाउंट खुला, एक्चुअल में हुआ था, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर होगा, फिक्टिशियस नेम में, क्योंकि तब रूल क्या था कि एक पर्सन एक पैन कार्ड एक डीमैट अकाउंट से मैक्सिमम 1 लाख के लिए अप्लाई कर सकता है शेयर्स के लिए। उनको पता था रिलायंस का नाम है, सब 200 रुपये 400 रुपये में इशू कर रहे हैं, अभी 600 रुपये 800 रुपये हो जाएगा, लो 50% प्रॉफिट कमा लेंगे 10 दिन में। इस पर्पज के लिए उन्होंने क्या कहा था, बहुत सारे फर्जी अकाउंट खुलवा लिए थे, उसके लिए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। मेक्स मल्टीपल एप्लीकेशन टू अ कंपनी इन डिफरेंट नेम और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड सरनेम, अदरवाइज इंड्यूसेस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अ कंपनी टू अलॉट और ट्रांसफर ऑफ शेयर अ फिक्टिशियस नेम। लॉ ने बोला ऐसा कुछ भी काम किया है, सेक्शन नंबर 447 में जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। एक बात, डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस, एवरी सच एक्ट और पनिशमेंट शैल बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस। आपको कहाँ डिस्क्लोज करना है, ये प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करना है। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 38, अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया सेक्शन 38 में, द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर रिटर्न ऑफ एनी गेन और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी। कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगा कि भाई आप ये पैसा वापस करो, या जो प्रॉफिट हुआ है आपने जो मल्टीपल अकाउंट फर्जी अकाउंट खुला के जो प्रॉफिट कमाया ना वो वापस करो। द अमाउंट रिसीव्ड टू डिस्पोजल, और ये अमाउंट IEPF में इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में जमा हो जाएगा। चले सेक्शन नंबर कौन सा हमारे पास, सेक्शन नंबर 36 है, और सेक्शन नंबर 36 क्या बात करता है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। हमने किसी व्यक्ति को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया है पर्सन पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एनी पर्सन हु ईदर नोइंगली और रेकलेसली मेक एनी स्टेटमेंट प्रॉमिस और फोरकास्ट विच इज फॉल्स डिसेप्टिव मिसलीडिंग और डेलिब्रेटली कंसील एनी मटेरियल फैक्ट टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इन टू टू ऑफर टू एंटर इन टू एनी एग्रीमेंट फॉर अ व्यू टू एक्वायरिंग डिस्पोजिंग सब्सक्राइबिंग फॉर शेयर्स एनी एग्रीमेंट द पर्पज ऑफ प्रिंटेड पर्पज ऑफ विच इज टू सिक्योर अ प्रॉफिट वाया फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज एनी एग्रीमेंट फॉर अ व्यू टू ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक और FI, सेक्शन 447 लग जाएगा। एक्शन बाय द अफेक्टेड पर्सन, सेक्शन नंबर 37 है।
A suit may be filed or any action may be taken under section 34, 35, 36 by any person, group of person, association of person affected by any misleading statement or the inclusion of an omission in the prospectus, section number 38. Any person who makes or abates making of any fictitious name may apply kara company ko for acquiring shares. Ye individual ke upar lagega 447. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नेम सरनेम में अप्लाई करा या आपने ऐसा कोई फर्जी काम करा आपके ऊपर सेक्शन नंबर 447 लग जाएगा. द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 शैल बी प्रोमिनेंटली रिप्रोड्यूस इन एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी एंड इन एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज वेयर अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में ऑल्सो ऑर्डर डिसजॉजमेंट ऑफ गेन. मतलब आपको जो गेन हुआ है आपने जो फर्जी एप्लीकेशन लगाकर वो वापस करो. इफ एनी मेड बाय सीजर एंड डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इन पोजेशन ऑफ सच पर्सन द अमाउंट रिसीव थ्रू डिसजॉजमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी क्रेडिटेड टू द IEPF में. वो पैसा जो है वो कहाँ पर देना है आपको IEPF में ट्रांसफर करना है. तो यहां तक हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट था प्रोस्पेक्टस में सेक्शन नंबर 38 तक. चले आज का डिस्कशन हम यहीं क्लोज करते हैं. थैंक यू.